नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के कार्यक्रम में हमारे बेहद खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर शर्मा पिछले 15 सालों से कैंसर से पीड़ित मरीजों का उपचार कर रहे हैं और बीते 5 सालों से वे PMCH में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सामान्य रूप से कोई बीमारी हो उसमें भी व्यक्ति परेशान हो जाता है, लेकिन जब उसको ये पता चले कि उसको कैंसर है, चाहे वो किसी भी तरह का कैंसर हो, उसकी चिंता और अधिक बढ़ जाती है। वो बीमारी से ज़्यादा चिंतित होने लगता है। कैंसर क्या है और क्या आज के दौर में भी उतना ही चिंतित होने की ज़रूरत है जितना कि पहले हुआ करते थे? देखिए, हमारा शरीर जो है कई कोशिकाओं का बना होता है और सामान्य कोशिकाओं की बढ़ने की गति नियंत्रित होती है, अनियंत्रित गति से उनकी वृद्धि होती है तो वो कैंसर में तब्दील हो जाती है। पहले की तुलना में आज हमारे पास कई तरह के साधन हैं जिससे हम कैंसर को जल्दी पहचान सकते हैं और एक अच्छा इलाज दे सकते हैं। तो आज की तारीख में मैं बोलूँगा, कैंसर एक ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। कैंसर से बहुत से मरीजों को हमने पूर्णतया स्वस्थ भी किया है और वो लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। सब क्या ऐसे सिम्टम्स जो है वो किसी में आए लगे कि भाई उसको कैंसर है, क्या व्यक्ति अपने आप से ही महसूस कर सकता है कि यार ये बीमारी मेरी कैंसर हो सकती है? क्योंकि कई बार पता नहीं चलता है और सामान्य बीमारी के रूप में उसको लेके देखते हैं और बाद में पता चलता है कि वो कैंसर था। तो प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं कैंसर के? देखिए, कैंसर की बात करूँ तो कोई भी ऐसा बदलाव शरीर में जो अनयूजुअल है, जैसे हमने नहीं चाहा और वज़न घट रहा है, हम उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे और अपने आप वज़न घट रहा है, भूख कम लग रही है, वो एक तरह से हमको उसकी जांच करवानी चाहिए। अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में या राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो अपने यहाँ पे मुंह के कैंसर और स्तन के कैंसर, सर्विक्स के कैंसर, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपके मुंह में कोई भी छाला हो रहा है, ऐसा छाला जो नहीं भर रहा है लंबे समय तक, 15 से 20 दिन के बाद तक भी नहीं भर रहा है, दर्द रहित छाला है चाहे, या फिर स्तन में कोई गांठ है जो बड़ी हो रही है, बगल में आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, या फिर अनियमित स्राव हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है, गंदा पानी आ रहा है महिलाओं को खासकर, तो उसकी आपको जांच करवानी चाहिए ताकि हम उसको अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकें। जितना अर्ली स्टेज में हम पकड़ेंगे उतना अच्छा ही इलाज हम दे पाएंगे। तो कैंसर कितने तरह के होते हैं और कौन सा कैंसर जो है वो ज़्यादा घातक माना गया है? देखो, शरीर का कोई सा भी ऑर्गन है उसमें कैंसर हो सकता है। खासकर जो पेट के कैंसर रोग है या छाती के कैंसर रोग हैं वो हमको लेट स्टेज में पता चलते हैं, क्योंकि उनके लक्षणों को हम दूसरी बीमारी समझ के छोड़ते रहते हैं। जैसे पेट दर्द चालू हुआ तो हम गैस की दवाई ले लेंगे या और कुछ इलाज ले लेंगे, खांसी हुई जैसे जो लंग कैंसर में बहुत ज़्यादा मिलती है तो हम खांसी की दवाई लेके उसको इग्नोर करते रहेंगे, तो वो जनरली एडवांस स्टेज में मिलते हैं, उनका इलाज डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो प्रत्यक्ष रूप से हमको जैसे चमड़ी का कैंसर, मुँह का कैंसर हमको देखने को मिलता है, उनको हम जल्दी पकड़ सकते हैं और जल्दी इलाज कर सकते हैं। तो कैंसर जो है किस तरह के उसके स्टेज होते हैं? आपने कहा कि अर्ली अगर हम कैंसर को डायग्नोस कर पाए, पता चल पाए कि ये कैंसर की बीमारी है, तो उसका इलाज जो है वो संभव है। तो क्या अलग अलग कैटेगरीज में ये कैंसर होता है या कैसे पहचान सकते हैं और कब पता चलता है कि अब ये स्टेज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो हुई है? देखिए, कैंसर की 4 स्टेज हम डिवाइड करते हैं जनरली। अर्ली स्टेज जो है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको अर्ली स्टेज का कैंसर मानते हैं, वही थर्ड फोर्थ स्टेज में उसको एडवांस स्टेज का कैंसर मानते हैं। हर कैंसर की स्टेजिंग का प्रोसेस अलग अलग होता है। जनरली हम सिटी स्कैन या पेट सिटी स्कैन करके उसका स्टेज मालूम करते हैं। बायोप्सी द्वारा हम कैंसर को घोषित करते हैं कि वास्तव में कैंसर है और किस तरह का कैंसर है। एक ही ऑर्गन का कैंसर भी अलग अलग तरीके का होता है और अलग अलग इलाज के द्वारा उसका ट्रीटमेंट होता है। तो जितना अर्ली स्टेज है, एक ही जगह कैंसर है तो हमको उसको पूरा निकाल सकते हैं, जबकि वो शरीर में फैल गया तो वो स्टेज 4 का कैंसर हो जाता है। जैसे स्टेज 4 पे जाता है उसका इलाज उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। मानो कि स्टेज 1 का कैंसर है,
उसमें हमारा ट्रीटमेंट पूरी तरह ठीक होने का संभावना 80 से 90% संभावना रहती है हम पेशेंट को पूरी तरह स्वस्थ कर देंगे। वो स्टेज 3/4 में वो संभावना 10% 20% तक पहुंच जाती है। तो स्टेज बढ़ेगा तो कैंसर का इलाज कम कारगर साबित होगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि कैंसर जो शरीर में फैल जाता है, लेकिन क्या अर्ली स्टेज पे अगर पता चलता है कि किसी के किसी ऑर्गन में कैंसर है, तो क्या वो कब कितना समय बाद में दूसरे ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डालता है, या अगर किसी के एक जगह कैंसर हुआ है, एक ऑर्गन में कैंसर हुआ है, या वो वहीं तक सीमित रहेगा? देखिए, कैंसर का टाइप्स अलग अलग होता है। कुछ कैंसर बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते हैं, वहीं फैलते रहते हैं। कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में ही शरीर में फैलने की संभावना रखते हैं। तो जो कैंसर एक जगह लंबे समय तक रहते हैं उनका इलाज उतना ही अच्छा होता है। डॉक्टर साहब, कई तरह के कैंसर होते हैं, तो क्या इनका जब अपन ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर का किसी का, तो सबके ट्रीटमेंट का अलग अलग तरीका होता है, या एक ही तरीके से हर कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है? देखो, जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट के तीन तरीके मोटे मोटे तौर पर हम मानते हैं। एक है ऑपरेशन, जो सर्जरी के अंडर आता है। दूसरा है कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, और तीसरा है सेक, रेडिएशन थेरेपी। तो कुछ मरीजों में हमको अर्ली स्टेज पे जैसे कैंसर आया, मुंह का कैंसर आया, केवल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी, ऑपरेशन किया, पेशेंट को फिर हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं। कुछ मरीजों का ऐसा होता है कि जिनको कीमोथेरेपी और ऑपरेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में कीमोथेरेपी और रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ में तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस ऑर्गन का कैंसर है और जिस स्टेज का कैंसर है, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट उसका मॉडिफाई करते हैं। कुछ पेशेंट जैसे लेट स्टेज में आते हैं तो उनको तीनों ट्रीटमेंट मॉडलिटी देनी पड़ती है, तो तीनों के साइड इफ़ेक्ट उसको झेलने पड़ते हैं। यदि वही अर्ली स्टेज में आता है तो हम एक मॉडलिटी द्वारा ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसमें डॉक्टर साहब, अर्ली स्टेज ज़्यादा मायने रखती है या किस ऑर्गन में हुआ है वो मायने रखता है, कि किसी कोई ऐसा ऑर्गन होगा कि जिसमें कि अगर कैंसर हुआ है वो अगर अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए फिर भी उसको तीनों ही तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी, या वो स्टेज थर्ड या फोर्थ में आ गया इस कारण से तीनों ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? देखो, शरीर में अलग अलग ऑर्गन का भी प्रभाव पड़ता है और स्टेज का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ एक कैंसर है जो बहुत ही अच्छे तरह के कैंसर में हम लोग मानते हैं, जिसमें शरीर में फैलने के बाद भी लंबे समय तक व्यक्ति उसके साथ जीवित रहता है, जैसे प्रोस्टेट का कैंसर हो गया या थायराइड का कैंसर हो गया। तो इनका इलाज लंबे समय तक हम कर सकते हैं। आजकल ब्रेस्ट में भी कीमोथेरेपी इतनी तरह के आ गई कि पेशेंट को यदि बीमारी फैली हुई भी है तो भी हम लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल करके रख सकते हैं। वहीं कुछ एक कैंसर ऐसे हैं जो स्टेज फर्स्ट में भी हमको इलाज करना मुश्किल जाता है, हम पूरी तरह निकाल देते हैं तो भी उसकी वापस आने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है, जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर हो गया, पैंक्रियास का कैंसर हो गया। तो ये ऑर्गन पे भी डिपेंड करता है, ये स्टेज पे भी डिपेंड करता है, और कैंसर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कुछ कैंसर अच्छे तरह के होते हैं, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, तो एक ग्रेडिंग सिस्टम भी इनका होता है। तो ग्रेड 3 है वो सबसे ख़राब तरह का मानते हैं, ग्रेड 1 वो सबसे अच्छे तरह का मानते हैं। कौन सा कैंसर है कि चाहे मुंह का कैंसर अपन ले ले या जो सामान्य कैंसर की बात करें, अगर उसका उपचार करा लिया है, सफलतम उपचार हुआ है, तो क्या वो फिर से उस बीमारी से ग्रसित हो सकता है कि नहीं, अगर एक बार ट्रीटमेंट हो गया तो? देखिए, कोई भी कैंसर में हम परसेंटेज में बात करते हैं, जैसे स्टेज 1 में हम बात करें तो 80 से 90% तक ट्रीटेबल की बात कर रहे हैं। 10% पेशेंट ऐसे भी अनफॉर्चुनेट पेशेंट होंगे जिनको वापस कैंसर आने की संभावना रहती है। उसके अलावा जैसे मुख के कैंसर की हम बात करते हैं, तो तंबाकू खाने से पूरे मुंह की जो त्वचा है, चाहे वो जीभ हो चाहे मुंह हो, वो पूरी अफेक्ट होती है। तो एक तरफ कैंसर हुआ वो हो सकता है ठीक हो गया हो, फ्यूचर में उसको दूसरी तरफ या और कहीं, जैसे जीभ पे छाला हुआ तो अब मुंह में या जबड़े में कहीं और कैंसर आने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए उन मरीजों को हम विशेषतया बार बार फॉलोअप पे रखते हैं, बार बार उनका निरीक्षण करते रहते हैं, ताकि आगे भी कुछ हो तो हमको अर्ली स्टेज में पकड़ में आए। सिमिलरली स्मोकिंग है तो वो हमारे फेफड़ों को भी अफेक्ट करती है, हमारे मुंह को भी अफेक्ट करती है, इवन लीवर, गॉल ब्लैडर, ईसोफेगस, सबको अफेक्ट करती है। तो एक जगह की जगह दूसरी जगह भी कैंसर आ सकता है। कई लोगों की सामान्य लाइफ होती है, उनका खान पान भी अच्छे से होता है,
स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंक नहीं करते हैं, बावजूद उसके कई बार वो कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और कई लोग कहते हैं यार इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, इनकी इसी लाइफ थी, फिर भी ये कैंसर से पीड़ित हुए, ऐसा क्यों होता है? देखो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, कैंसर एक चीज़ नहीं होता है, सब चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो हमारा एक जेनेटिक मेकअप होता है, हमारे जीन्स होते हैं, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो अर्ली म्यूटेशन, जिनमें परिवर्तन जल्दी आता है, तो कुछ लोग ससेप्टिबल होते हैं, कुछ कैंसर आनुवंशिक भी होते हैं, तो उनकी जीन्स में ही कैंसर चल रहा है, तो थोड़ा सा भी ट्रिगर हुआ और वो सेल्स कैंसर में तब्दील हो जाती है। हमारे जीन्स में शरीर की नियमित ग्रोथ, कोशिकाओं की नियमित ग्रोथ के जीन्स होते हैं, जैसे P53 जीन हो गया, वो एक नियंत्रण रखते हैं। जब वो P53 जीन डिफेक्टिव हो गया तो ग्रोथ अनियंत्रित हो जाती है और वो ट्यूमर का रूप ले लेती है। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर सौरभ शर्मा से वार्ता का दौर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ में हैं PMCH के सीनियर कैंसर सर्जन डॉक्टर सौरभ शर्मा। डॉक्टर साहब आपने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि अनुवांशिक कारणों से भी कैंसर हो सकता है, तो क्या किसी के फादर में या उसके दादाजी में या परिवार के किसी सदस्य में कैंसर है तो अनुवांशिक रूप से कितनी % संभावनाएँ रहती है कि उसको कैंसर हो सकता है, और ऐसे बच्चों को के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी है कि जिससे उनको कैंसर नहीं हो? कई रोग ऐसे हैं, जैसे स्तन कैंसर की मैं बात करूं तो स्तन कैंसर में कुछ एक जीन्स होते हैं जो आनुवंशिक रूप से चलते हैं, जैसे BRCA करके जीन आता है। अर्लीस्ट एज में किसी को स्तन कैंसर हो रहा है या दोनों स्तन में कैंसर हो रहा है या किसी के फर्स्ट फैमिली में भी कैंसर स्तन कैंसर हुआ है या गर्भाशय का या ओवरी का कैंसर हुआ है, तो ऐसे मरीजों को टेस्टिंग के लिए भेजते हैं उनके ऊतक को और ब्लड को,
तो उसमें हमको पकड़ में आता है कि ये इनको ब्राका पॉजिटिव है, BRCA पॉजिटिव है, तो इनके आनुवंशिकता की संभावनाएं ज़्यादा है। तो उन मरीजों के जो बच्चे होते हैं उनको भी हम अर्ली स्क्रीनिंग मॉडलिटी, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कैंसर हो वो अर्ली स्टेज में हम पहचान सके, उन चीज़ों पे व्यवस्थित करते हैं ताकि कैंसर की अर्ली स्टेज में पहचान हो या फिर उसको रोकथाम की जा सके। ऐसे ही कोलोन कैंसर में है तो कोलोनोस्कोपी को प्रोटोकॉल हम स्क्रीनिंग में डालते हैं ताकि कुछ भी लीजन हो तो हमको पहले पता चल जाए। डॉक्टर साहब, आप कैंसर सर्जन हैं, सर्जरी का नाम सुनते ही लोगों में एक अलग तरह की चिंता है हो जाती है, लेकिन और जब सर्जरी अगर कैंसर की हो तो वो चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। किस स्टेज पे आके कैंसर की सर्जरी करनी जो है वो ज़रूरी हो जाती है? देखो, कैंसर चाहे स्टेज वन में हो चाहे स्टेज फोर में हो, यदि सर्जरी करके हम उसको पूरा हटा सकते हैं तो वो उसका अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। कुछ एक ऊतक ऐसे हैं जिनको हम अर्ली स्टेज में ही ऑपरेशन कर पाते हैं, लेट स्टेज में उनका ऑपरेशन नहीं कर पाते। वहीं कुछ एक ऐसा है जैसे जबड़े का कैंसर मैं बात करूँ तो वो जबड़े में चला जाता है या फिर चमड़ी में चला जाता है, स्टेज फोर का हो जाता है, तब भी हम उसका ऑपरेशन द्वारा इलाज कर सकते हैं, तो हमको वो इलाज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर किसी की सर्जरी हुई है, आपने बताया कि कोई सामान्य सर्जरी भी होती है कोई क्रिटिकल भी होती है, किस तरह का सर्जरी के बाद में उसको ध्यान रखना चाहिए और क्या सर्जरी के बाद वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा या उसको समय समय पे चिकित्सक से आके मिलके उनका परामर्श उनसे लेना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट जो है वो उसको नियमित रूप से कराने चाहिए? कैंसर का जो भी हम इलाज करते हैं, ऑपरेशन किया या कीमोथेरेपी दिया, उसके बाद में हम उसको फॉलोअप पे रखते हैं। हर 3 महीने में एक बार उसका निरीक्षण, जिस भी ऑर्गन को हमने ट्रीट किया है उसके हिसाब से उसका निरीक्षण करते हैं, 3 महीने में जरूरी आवश्यक जांचें कराते हैं। साथ ही में जैसे स्तन कैंसर है, एक तरफ स्तन में कैंसर हुआ तो 10% संभावना रहती है कि दूसरे स्तन में भी कैंसर डेवलप हो सकता है, तो उस चीज़ को भी हम हर साल मेमोग्राफी जैसे पेशेंट का कराते हैं ताकि उधर भी कुछ हो तो हमको जल्दी पता चल पाए। तो कैंसर की रोकथाम को लेके क्या प्रयास जो है वो किए जाने चाहिए और एक सामान्य व्यक्ति है उसको क्या सावधानी वो बरते? देखिए, रोकथाम की बात आती है तो दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। एक तो रोकथाम है कैंसर होवे ही ना, तो कैंसर होवे ही ना उसके लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कैंसर को, कैंसर का कारण क्या है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ा जो कारण है वो तंबाकू सेवन है, साथ ही में मदिरा सेवन है, तो इनको जितना हम कम कर सकेंगे उतना इन कैंसर से हम बच सकेंगे। या फिर जैसे सर्विक्स का कैंसर है, उसके अंदर HPV वैक्सीनेशन आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध है, वो हम प्रमोट करें। दूसरा है, कैंसर यदि हो जाता है तो उसको जल्दी स्टेज में पकड़ें, जिसको स्क्रीनिंग हम बोलते हैं। जैसे कि स्तन कैंसर की मैं बात करूँ तो उसमें मेमोग्राफी एक अच्छा टूल है जो 40 से ऊपर वाली फीमेल्स को हम रेगुलरली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं कोई लंबे समय तक स्मोकिंग कर रहा है तो लो डोज सिटी स्कैन हर साल कर सकते हैं, यदि 20 साल से ज़्यादा स्मोकिंग करी है तो उससे फेफड़ों के कई कैंसर हो वो जल्दी पकड़ में आ जावे। पैप स्मियर टेस्टिंग होता है, HPV टेस्टिंग होता है, वो सर्विस के कैंसर को जल्दी पकड़ पाते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों टू प्रॉन्ग अप्रोच अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को ठीक कर पाएंगे। सब क्या ऐसी कोई वैक्सीन भी बनी है जो कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति के लगाए तो वो ठीक हो सकता है, या जिसको कैंसर नहीं है, या आपने ये भी कहा कि अनुवांशिक भी ये कैंसर की बीमारी हो सकती है, तो क्या उनके बच्चों को भी वो वैक्सीन लगा दे या उनके परिवार के सदस्यों को लगा दे जिससे कैंसर होने की संभावनाएं कम हो जाए? देखिए, पहले मैंने आपको जैसे बताया कई कारण होते हैं, उसमें से कुछ कारणों की हम पहचान कर चुके हैं। जैसे सर्विक्स कैंसर में HPV है, वो एक वायरस है, तो उसकी रोकथाम के लिए हम HPV वैक्सीन आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट कर रही है उसको, वो यदि उसका कवरेज अच्छा होगा तो मतलब सर्विक्स का कैंसर लगभग लगभग हम उन्मूलन की तरफ जा सकते हैं। साथ ही में जैसे SCV से लीवर का कैंसर होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है, ऐसे वायरस हम जितने पकड़ पाएंगे उनको रोकने वाली वैक्सीन हम बना पाएंगे। कैंसर होने के बाद में कोई ऐसी वैक्सीन नहीं जिससे उसको रोक पाएंगे।
सर, कैंसर की बीमारी को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ भी है। लोग अभी भी भले ही उपचार आ गया लेकिन यही मानते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। कई बार लाइलाज बीमारी है, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते कि क्यों पैसे जो है वो खर्च करें, और कई तरह की और अन्य कई भ्रांतियाँ हैं, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, कैंसर के बारे में कई मिथक जुड़ी हुई है, जैसे कि बायोप्सी हम कर लेंगे तो कैंसर शरीर में फैल जाएगा, या ऑपरेशन हम कर लेंगे तो कैंसर शरीर में फैल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी कैंसर का इलाज हम बिना बायोप्सी नहीं करते हैं, और बायोप्सी के बाद ही हम इलाज करते हैं। वो फैलता बायोप्सी से वो फैलता नहीं है। बायोप्सी से यदि वो फैलता होता तो हम किसी मरीज का इलाज नहीं करते। साथ ही में कई बार मरीज अनटेस्टेड इलाज की तरफ जाते हैं, जैसे कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ गए, तो वो चाहे वो ले, लेकिन साथ में एक जो टेस्टेड ट्रीटमेंट है, जो NCCN गाइडलाइंस, पूरी दुनिया की गाइडलाइंस बोल रही है, उस ट्रीटमेंट को ले, ताकि हम उसको बीमारी से मुक्त कर पाए, उस बीमारी को बढ़ाए नहीं। सब सर्जरी, क्योंकि आपने काफ़ी सारी सर्जरीज की है, क्या कोई ऐसी सर्जरी का अनुभव है आपको कि जो आपको लगा हो हाँ यार ये बहुत अंतिम स्टेज में चला गया, या वो सर्जरी काफ़ी टिपिकल थी, इसको करने में परेशानी आई हो, लेकिन वो व्यक्ति आज भी जो है वो जीवित है और एक उदाहरण बन सके दूसरे लोगों के लिए कि जो इन तरह की भ्रांतियों से प्रभावित रहते हैं? देखिए, कई बार हमारे पास नेगलेक्टेड पेशेंट भी आते हैं, जिनको लंबे समय तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, और बाद में वो इतने ख़राब स्थिति में हो गए कि वो बाद में मेरे पास लेके आए। जैसे एक महिला मुझे याद है, जिसको मुंह का कैंसर था, पूरा गाल से यहाँ तक छेद हो गया था और उसमें कीड़े पड़ गए थे। हमने पहले कीड़ों का इलाज किया, फिर उस महिला का इलाज किया। आज की तारीख में 3 साल बाद भी वो महिला बिल्कुल स्वस्थ है। तो जब वो महिला जो बिल्कुल नेग्लेक्टेड थी, वो ठीक हो सकती है, तो हम अर्ली स्टेज में, वो बहुत एडवांस स्टेज 4 में मेरे पास आई थी, तो ऐसे जो अर्ली स्टेज में हम इलाज करेंगे तो वो भी ठीक हो सकते हैं। सर, अगर पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से कैंसर डिपार्टमेंट को जो है वो डेवलप किया गया है, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल सर्जरी भी यहाँ पे होती है, तो सर्जरी को लेके किस तरह की चीज़ें ध्यान रखी जाती है, OT या दूसरे उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट की केयर करनी होती है, उन तमाम चीज़ों को लेके किस तरह से इसको डेवलप किया गया है ताकि अगर किसी का जटिल ऑपरेशन भी हो तो वो यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होके जा सके। तो कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है, जो केवल कैंसर के मरीजों से ही डील करती है, और केवल कैंसर के ही ऑपरेशन हम यहाँ पे उनके करते हैं। साथ ही में हमको ज़रूरत होती है तो दूसरे विशेषज्ञ, जैसे मूत्र रोग विशेषज्ञ या गैस्ट्रो के डॉक्टर्स, वो भी हमारे साथ अवेलेबल है, तो ताकि हम पेशेंट को जितना अच्छे से अच्छा इलाज दे सके। कभी हमको न्यूरोसर्जन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको भी टीम में सम्मिलित करते हैं। तो एक टीम एफर्ट है, वो टीम एफर्ट करके हम उसको पूरी सर्जरी को सफलतम बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही में पोस्ट ऑप केयर में हमारे पास जो डेडिकेटेड ICU है, उसमें और साथ फिजियोथेरेपी है, उसमें मरीज को बाद में रिहेबिलिटेट करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, ताकि सर्जरी तो हो गई, साथ ही में सर्जरी के जो साइड इफ़ेक्ट होने वाले हैं उसको भी कम से कम किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने का। तो आप थे डॉक्टर सौरभ शर्मा, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन, जिन्होंने कैंसर की बीमारी के बारे में बताया। किस स्टेज में आपको डॉक्टर के पास पहुंचना है, क्या आपको सावधानी बरतनी है कि आप इस बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाए, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमको जानकारी दी। जुड़े रहिएगा हमारे हेलो डॉक्टर एपिसोड से। अगले भाग में हम और किसी वरिष्ठ चिकित्सक से मिलेंगे और बताएंगे कि आप अपने स्वास्थ्य को किस तरह से बेहतर बना के रख सकते हैं। धन्यवाद।